शुक्रवार को प्रदेश भर में छात्र संगठन SFI ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का कहना है कि अधूरे परीक्षा परिणामों और परीक्षा परिणामों में हो रही देरी के चलते प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं जागा तो आंदोलन उग्र होगा। छात्र संगठन SFI द्वारा SFI राज्य कमेटी के आह्वान पर चंबा महाविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। अधूरे परीक्षा परिणामों और परीक्षा परिणामों में हो रही देरी के चलते छात्र संगठन ने ये धरना प्रदर्शन किया। SFI के जिला अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया कि छात्रों के परीक्षा परिणाम ना आने के बावजूद उन्हें अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे उच्च कक्षाओं में पहुंच चुके छात्रों को अब तक ये पता नहीं है कि वे अपनी परीक्षा में पास हुए हैं या नहीं। छात्र अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी को दूर करने की मांग की। तो आज जो SFI इकाई चंबा के द्वारा आज महाविद्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया, ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है पूरे प्रदेश भर में SFI राज्य कमेटी के आह्वान पर सभी महाविद्यालयों के अंदर SFI के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जो लगातार पिछले कई दिनों से कई समय से जो है छात्रों के रिजल्ट भी आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के छात्रों के, जिससे चलते जो है छात्र जो अपनी नियमित पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और जो है लगातार जो है प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है जो नाकामी दिखा रहा है कि उनके रिजल्ट को नहीं दे रहा है और अधूरे परीक्षा परिणाम जो कि MA के अंदर भी छात्र हो गए हैं उनके भी जो अधूरे परीक्षा परिणाम के चलते जो है वो MA के अंदर एडमिशन नहीं ले पा रहा है। और दूसरी ओर से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है उसका प्रारूप जो द्वारा फिर से जो पेश किया जा रहा है वो पॉलिसी बिल्कुल ही जो है स्टूडेंट के एंटी है और SFI जो है इस चीज़ का विरोध करती है। आज पूरे महाविद्यालय के अंदर जो है सभी महाविद्यालय के अंदर जो है इस चीज़ का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। और जो महाविद्यालय के अंदर सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है कि कई सारे विषयों की जो है टीचर जो है टीचरों की बहुत कमी है, जिसके चलते जो है छात्रों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।